तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिनोस्कोपी से नंबर कैसे न्यूट्रलाइज करें एंड उस नंबर को प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म में कैसे लगाना है, कैसे निकालना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर बन रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, रेटिनोस्कोपी करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए, जो भी पेशेंट बैठा आपके सामने, हमारा जो रेटिनोस्कोपी हैंड में है उसके जो डिस्टेंस की दूरी होनी चाहिए, वर्किंग डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम जो होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों का वर्किंग डिस्टेंस के अनुसार आप लोग अपना वर्किंग डिस्टेंस का अडैप्टर ले सकते हो। स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग समझ लीजिएगा। मेरा वर्किंग डिस्टेंस है डेढ़ अडैप्टर, तो मैं डेढ़ अडैप्टर से लेकर के आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, रेटिनोस्कोपी करते समय हमारा रेटिना पे लाइट किस प्रकार से बनता है उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल आई होती है, इमेट्रोपिक आई होती है, जो भी आप लोगों का आई में रेज जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगर आप लोगों के आई में या किसी भी पेशेंट के आँख के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी हमारी रेब बन रही है या फिर बिहाइंड द रेटिना या फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप लोग न्यूट्रलाइज करोगे, यानी कि आप लोग रेटिनो कर रहे हो, इन्फिनिटी से लाइट तो आ रही है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग रेटिनो कर रहे हो, रेटिनो को जो लाइट जा रहा है कहाँ पे बन रहा है, बिहाइंड द रेटिना। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, प्लस का नंबर लगा के इस लाइट को क्या करना है, हमें कन्वर्ज करना है। कन्वर्ज कर रहे, देख सकते हैं आप लोग, हमने कन्वर्ज करके रेटिना के थोड़ा सा आसपास हम लोग लाइट को ला चुके हैं और हम मोटा लेंस लगाएंगे, यानी कि दो नंबर लगा दिए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा सा और पास आया है। चलिए हम लोग और आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने और नंबर बढ़ाया, यानी कि जो प्लस लेंस और थोड़ा मोटा हुआ और हमारा रेटिना पे इमेज बन गया। इस प्रकार से रेटिनोस्कोपी काम करता है। और दोस्तों अगर आप लोग विथ मूवमेंट यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, और दोस्तों न्यूट्रलाइज होने के साथ और भी आप लोग प्लस नंबर बढ़ाओगे तो जो इमेज हमारी बन रही है फ्रंट ऑफ द रेटिना, आप लोग यहाँ पे समझ भी पा रहे होगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं, रेटिनोस्कोपी हम आप लोगों को इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। विथ मूवमेंट के साथ किस प्रकार से करेंगे, अगेंस्ट मूवमेंट के साथ किस प्रकार से न्यूट्रलाइज करेंगे, आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। चलिए दोस्तों मेन मुद्दे पर आते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को न्यूट्रलाइज करके दिखाता हूँ। कोई भी आई यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप लोगों को विथ मूवमेंट दिख रहा होगा। अभी हम लोग जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, अभी आप लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वर्टिकल। वर्टिकल में करेंगे तो जो लाइट रिफ्लेक्स है उसका उल्टा बनता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में बनेगा। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल का कर रहे हैं तो लाइट रिफ्लेक्स वर्टिकल में बनेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमारा विथ मूवमेंट था, तो यहाँ पे हमने प्लस वन नंबर लगाया। अभी आप लोग देख सकते हो न्यूट्रलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट है थोड़ा सा डल हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग दो नंबर आप लोगों को बढ़ा करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा धीरे धीरे किस प्रकार से हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। यहाँ पे दो नंबर बढ़ाए तो यहाँ पे जो लाइट का आप लोग डिफरेंस देख सकते हो, काफ़ी थोड़ा सा पॉइंट बढ़ती जा रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। विथ तो जा रहा है लेकिन जो लाइट है, जो रिफ्लेक्स है, थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग प्लस तीन से पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। आई होप आप लोगों को यह रेटिनोस्कोपी का वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हमने फोर नंबर लगाया, लाइट का जो रिफ्लेक्स है न्यूट्रलाइज ना होकर के अगेंस्ट मूवमेंट में जा रहा है, आप लोग देख सकते हो। यानी कि इस प्रकार से हमारा जो न्यूट्रलाइज पॉइंट है प्लस तीन है हॉरिजॉन्टल मेरिडियंट पे। अभी अब इसी प्रकार से वर्टिकल मेरिडियंट का निकाल के दिखाएंगे आप लोगों का। तो स्टेप क्या होता है आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों का विथ मूवमेंट जाता है, पहला स्टेप जो है विथ मूवमेंट के साथ हम एडिशन नंबर से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद हमें वर्किंग डिस्टेंस को घटा करके फाइनल नंबर को निकाल लेना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा आई हम लेकर आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी विथ मूवमेंट जा रहा है, देख सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेरिडियंट में विथ मूवमेंट जा रहा है। अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियंट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं प्लस वन से, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज तो नहीं हो रहा लेकिन थोड़ा सा रिफ्लेक्स आ रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग दोनों मेरिडियंट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं प्लस दो अडैप्टर से, तो यहाँ पे तो जो न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट होता है थोड़ा सा बढ़ा लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। प्लस थ्री से आप लोग देख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन के आसपास आ चुका है बट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग फोर अडैप्टर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन दोनों में। अगर देख सकते हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन में सेम नंबर से न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो बहुत ईजी तरीका होता है फाइनल नंबर निकालने का।
तो अभी आप लोग देख सकते हो +5 हमने लगाया दोनों मेरिडियंट में, विथ मोमेंट की जगह अगेंस्ट मोमेंट में जा रहा है, ना कि न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी दोस्तों हमारा जो ग्राफ वैल्यू निकल गया +4 का स्पीयर नंबर निकल गया, क्योंकि दोनों मेरिडियंट पे निकल गया था 7 नंबर, इसलिए वर्किंग डिस्टेंस हमने 1.5 घटा दिया। इस प्रकार से हमारा फाइनल जो नंबर निकल कर आता है प्लस का 2.5 नंबर निकल के आता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, तो यही नंबर पेशेंट को एक्सेप्ट होगा। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो वर्टिकल मेरिडियंट में विथ मोमेंट, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंट में विथ मोमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब विथ मोमेंट, यानी कि इसको हम प्लस नंबर से क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस नंबर से न्यूट्रलाइज किया +1 से वर्टिकल मेरिडियंट एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियंट दोनों को, तो हल्का सा न्यूट्रलाइज हुआ, न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट पर आया। चलिए हम लोग +2 लगा के देखते हैं क्या होता है। +2 लगाने से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा तरीके से न्यूट्रलाइज हो चुका है, जो लाइट का उसमें आप लोगों को ग्लो दिख रहा होगा पूरी तरीके से डल हो गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो दोनों मेरिडियंट हमारा जो है +2 से न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग +3 नंबर लगाए हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट जाने लगा, देख सकते हो वर्टिकल में, एंड अभी हम लोग आप लोग हॉरिजॉन्टल भी दिखा देते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी अगेंस्ट मूवमेंट जाने लगा। इस प्रकार से हमारा जो फाइनल नंबर निकल कर आता है ग्रास वैल्यू जो निकल कर आता है +2 नंबर, ठीक है। वर्किंग डिस्टेंस हमारा -1.5 घटा देंगे, -1.5 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस -1.5 घटा रहे हैं, इस प्रकार से हमारा +0.5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग फिर से एक एग्जांपल पे आ चुके हैं। यहाँ पे भी विथ मोमेंट जा रहा है दोनों मेरिडियंट में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में, तो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल न्यूट्रलाइज किए हैं, +1 से करीब न्यूट्रलाइज हो चुका है, एंड हॉरिजॉन्टल भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, एंड वर्टिकल भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो +1.5 लगा के देख सकते हैं, +1.5 पे भी न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन हल्का सा अगेंस्ट जा रहा है। आप लोग देख सकते हो लाइट का जो रिफ्लेक्स है अगेंस्ट मोमेंट में जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा फाइनल नंबर निकल कर आ रहा है ग्रास वैल्यू +1 निकल के आ रहा है दोनों मेरिडियंट के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो नेट वैल्यू निकल जाएगा वर्किंग डिस्टेंस घटाने के बाद, देख सकते हो वर्किंग डिस्टेंस हमने 1.5 घटाया तो -0.5 का स्पीयर नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग आप लोग को एग्जांपल के रूप में समझाते हैं अगेंस्ट मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं लेकिन अगेंस्ट मूवमेंट में रिफ्लेक्स जा रहा है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट मूवमेंट के लिए माइनस से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो -2 मैंने लगाया, करीब करीब न्यूट्रलाइज के पॉइंट पर आया है, अब वो विथ मूवमेंट जा रहा है, मतलब साथ में हल्का हल्का जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग -1 लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि -2 लगाने से विथ जा रहा था, -1 लगाने से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली न्यूट्रलाइज हो चुका है, वर्टिकल में एंड हॉरिजॉन्टल में भी न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को वर्किंग डिस्टेंस घटा के दिखाता हूँ। वर्किंग डिस्टेंस लेंगे हम -1.5, ठीक है, आपने एक आर्डिंग ले सकते हो वर्किंग डिस्टेंस आपका जितना होगा। इस प्रकार से हमारा जो फाइनल नंबर निकल कर आता है 2.5 का स्पीयर नंबर। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे अगेंस्ट मोमेंट जा रहा है दोनों मेरिडियंट में, तो यहाँ पर मैंने -2 लगाया और अभी आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है, अभी भी अगेंस्ट मोमेंट में जा रहा है दोनों मेरिडियंट में, वर्टिकल मेरिडियंट एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियंट में भी क्या हो रहा है, अगेंस्ट मूवमेंट में जा रहा है। तो -4 लगाया हमने, -4 में विथ मूवमेंट हो गया, देख सकते हो आप लोग विथ मूवमेंट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को घटाएंगे, जहाँ पे आप लोगों का विथ मूवमेंट जाने लगा मतलब कि आप लोग न्यूट्रलाइजेशन से बाहर हो गए हो। तो -3 लगाया यहाँ पे हमारा न्यूट्रलाइज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और कभी भी याद रखना विथ के साथ प्लस एंड अगेंस्ट के साथ माइनस हमें न्यूट्रलाइज करना है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रलाइज हुआ दोनों मेरिडियन -3 से न्यूट्रलाइज हुआ है। तो फाइनल नंबर हमारा जो निकल के आएगा, यहाँ पे वर्किंग डिस्टेंस 1.5 घटा देंगे, 1.5 क्या करना है, ऐड करना है, मतलब कि -1.5 ऐड करेंगे तो 4.5 नंबर हमारा आ जाएगा माइनस का। और दोस्तों आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है अलग अलग आ रहा है, तब हम किस प्रकार से फाइनल नंबर निकालेंगे उसका आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आप लोगों को, वहाँ पे रेटिनोस्कोपी का नेक्स्ट पार्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इजीली तरीके से देख सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।